आईपीएल सीजन 17 में केकेआर है चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह से तैयार। क्या शानदार प्रदर्शन कर रही है ये टीम, और ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की मेंटोरशिप में ये अलग ही केकेआर नजर आ रही है यहाँ पे। और दिल्ली कैपिटल्स जब सामने आते हैं ना बॉस, तो इनका जो दम है वो डबल हो जाता है, डबल अटैक से यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हैं। चाहे दिल्ली का मैदान हो या फिर केकेआर का अपना खुद का घर का मैदान हो, इन्होंने दिल्ली को इस सीजन में दोनों बार मात दी है। तो चलिए इस मुकाबले में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच रिपोर्ट फटाफट से बताता हूँ क्या क्या हुआ। देखिए, टॉस जीता यहाँ पे ऋषभ पंत ने, मौका था उनके पास कि पिछली हार का बदला ले पाए, लेकिन शायद पिच पड़ने में पंत साहब थोड़े फेल हो गए। हालांकि खबरें आ रही है कि उप कप्तान बन सकते हैं टीम इंडिया के, लेकिन अगर ऐसा काम करेंगे तो दिक्कतें उनके साथ हो सकती है। थोड़ा पिच को पढ़ना सीखना होगा यहाँ पे ऋषभ पंत को। टॉस जीता और पहले कहा कि चलिए हम बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी का उन्होंने यहाँ पे फैसला लिया। और ऐसा लगा कि हार की पटकथा वहीं लिख दी थी उन्होंने। पृथ्वी शॉ को यहाँ पे दोबारा मौका मिला आज टीम में, कुछ खास कर नहीं पाए पृथ्वी शॉ। अगर देखे 7 गेंदों में 13 रन बना के पृथ्वी शॉ आउट हो जाते हैं। जेक फ्रेजर, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये टीम है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ये टीम, उन्होंने यहाँ पे 7 गेंदों में बनाए 12 रन। उसके बाद आते हैं अभिषेक पोरेल, और ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के साथ कि ये बैटिंग ऑर्डर में ना बहुत ऊपर नीचे कर रहे हैं चीजों को, प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो करना थोड़ा इनको बंद करना होगा। 15 गेंदों में 18 रन बना पाए अभिषेक पोरेल भी, कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। शय होप, जो कि इनसे बहुत ज्यादा होप्स थी, ये भी निराश करके चले गए यहाँ पे। 3 गेंदों में इन्होंने बनाए मात्र 6 रन यहाँ पे। उसके बाद आते हैं खुद कप्तान पंत, ऋषभ पंत 20 गेंदों में बनाते हैं 27 रन, 2 चौके 1 छक्का, और जिसमें एक जीवन दान भी उनको मिला था। यानी कि पंत को थोड़ा मैच्योरली बैटिंग करने की यहाँ पे जरूरत है अभी भी अगर देखा जाए। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, उम्मीदें थी कि बल्लेबाजी में अक्षर जौहर दिखाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए यहाँ पे। 21 गेंदों में 15 रन बना के वो भी आउट हो गए। फिर आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जिनका खेल थोड़ा खराब चल रहा है आजकल, 7 गेंदों में 4 रन बना के ये भी आउट हो गए। कुमार कुशाग्र, जिनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर लाए, पहली ही पारी में ये बल्लेबाजी की कहीं ना कहीं कहानी बयां करता है, और वहां पे ये सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, और कुलदीप ने पूरी तरह से दीप जलाए रखे यहाँ पे, 35 रन बनाए बल्लेबाजी करते हुए, 26 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का उन्होंने यहाँ पे लगाया। उनके अलावा रशीद सलाम ने यहाँ पे 8 रन बनाए, और लिजार्ड विलियम्स जो कि कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे आज उनको नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी वो आगे मैं बताता हूँ, यहाँ पे वो 1 रन बना सके यहाँ पे, और एक्स्ट्राज में यहाँ पे उनको मिले 13 रन। डीसी की अगर बात करें, गेंदबाजी देखें तो 2-2 विकेट हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा को मिले, स्टार्क को 1 विकेट मिला लेकिन बहुत महंगे रहे, 3 ओवर 43 रन 1 विकेट यहाँ पे, सुनील नरेन 4 ओवर 24 रन। और अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती के चक्रव्यू में फंसी यहाँ पे डीसी, 4 ओवर 16 रन और 3 विकेट यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ले जाते, पुराने वाले वरुण चक्रवर्ती मुझे यहाँ पे नजर आए शानदार प्रदर्शन करते हुए वो, और उनके सामने पूरी तरह से बेबस नजर आए, और मात यहाँ पे बना सकी दिल्ली कैपिटल्स 153 रन 9 विकेट के नुकसान पे, कर्टसी कुलदीप यादव के 35 रन। अब बल्लेबाजी की बारी थी केकेआर की, और केकेआर को कहीं ना कहीं शुरुआती झटके देने की जरूरत थी डीसी को, बात हुई भी वैसी, लेकिन लिजार्ड विलियम्स ने यहाँ पे कैच छोड़ा फिल सॉल्ट का, जो मैंने बोला था, और फिल सॉल्ट ने यहाँ पे 33 गेंदों में बना दिए 68 रन, 7 चौके 5 छक्के, और स्ट्राइक रेट पता है कितना था, स्ट्राइक रेट था यहाँ पे 206 का। वहीं हार की पटकथा लिखी जा चुकी थी डीसी के लिए, नरेन आज फ्लॉप रहे 10 गेंदों में 15 रन बना के आउट हो गए। वहीं अगर बात करें रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया, 11 गेंदों में उन्होंने बनाए 11 रन मात्र यहाँ पे, और कहीं ना कहीं उनका वर्ल्ड कप का केस हल्का सा कमजोर होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। श्रेयस अय्यर की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 23 गेंदों में बनाए 33 रन। वहीं बात करें वेंकटेश अय्यर, 23 गेंदों में 26 रन बना के ये दोनों नाबाद रहे, और 7 विकेटों से ये मुकाबला यहाँ पे केकेआर ने अपने नाम कर लिया। गेंदबाजी की बात करें, अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले यहाँ पे, और 1 विकेट मिला लिजार्ड विलियम्स को, बाकी सभी गेंदबाज यहाँ पे रहे विकेटलेस। वहीं अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल में बॉस केकेआर और करीब पहुंचता जा रहा है, आरआर के 12 अंक इनके हो गए हैं, 9 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं, 3 गवाए 12 अंक इनके हैं। वहीं अगर बात करें डीसी की, दिल्ली कैपिटल्स के पास एक बहुत अच्छा मौका था आज की यहाँ पे जीत के नंबर 2 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं, अभी भी नंबर 6 पे बने हुए हैं, 11 मुकाबले खेल चुके हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि 11 मुकाबले यहाँ पे खेल चुके हैं, ये 11 मैचेस में 5 जीते हैं 6 हारे, और इनके अंक यहाँ पे 10। अब मुश्किल लग रही है यहाँ पे राह उनके लिए, लेकिन केकेआर पूरी तरह से है तैयार, और ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से जैसे गौतम गंभीर वापस लौटे हैं इनके लिए कप का इंतजार भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी और क्रिकेट वीडियोस के लिए और आईपीएल की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी साथ ही दबा दें। थैंक यू सो मच।